गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम गिरीश पालीवाल अगेन वेलकम्स टू यू ऑल इन योर ऑन यूट्यूब चैनल सन इंग्लिश क्लासेज बाय गिरीश पालीवाल। फ्रेंड्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट लिटरेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, व्हेन वी टॉक अबाउट लिटरेचर, व्हाई डू वी नीड टू डिवाइड लिटरेचर इनटू वेरियस एजेस। क्यों ज़रूरत पड़ी हमें जो लिटरेचर है उसको वेरियस एजेस में डिवाइड करने की, तो इसके पीछे भी रीजन है, कुछ कारण हैं फ्रेंड्स जो यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ आपको। पहला जो कारण था, जो पहला रीजन था, वो ये था कि जो राइटर्स थे, बोल सकते हैं जो क्रिएशंस थे राइटर्स की, जो डोमिनेटिंग राइटर्स थे उनके बेस पे। दूसरा इसका कारण जो था वो बोल सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ, जो पहला कारण था प्रेजेंस ऑफ डोमिनेटिंग राइटर्स। दूसरा कारण जो है कि पॉलिटिकल और जो हिस्टोरिकल जो इन्फ्लुएंसेस थे उसके बेस पे, क्योंकि हिस्ट्री से रिलेटेड जहाँ जो भी घटनाएं हुई उसके बेस पे उसको डिवाइड किया गया। पहला जो है राइटर्स के बेस पे, जो राइटर जिस कालखंड से बिलोंग करता था और उसके बेस पे। तीसरा जो पॉइंट था वो साइड गाइड बोलते हैं, या स्पेलिंग इसकी जिट जेस्ट होती है। तो इसमें क्या होता है, कॉमन सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल, लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं कॉमन उसके बेस पे, यानी कि जो उनकी अपनी धारणाएं हैं, जो भाव व्यक्ति है, जो विचार है, जो फीलिंग्स हैं उसके बेस पे। तो लिटरेचर को जो एजेस में डिवाइड किया गया उसका मेन कारण यही था, क्योंकि एक सिस्टमेटिक वे में किसी भी चीज़ का अगर हम स्टडी करें तो लंबे समय तक हम उसे क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो ये मेन कारण था। और किसने डिवाइड किया था लिटरेचर को वेरियस एजेस में, क्रिटिक्स ने, अध्ययन की सुविधा के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें जो पहला यहाँ पे टाइम पीरियड, हम अगर इंग्लिश लिटरेचर की बात करें 450 से 1066 तक, तो इसमें एंग्लो सैक्सन पीरियड है 450 से 1066 तक। तो दूसरे पीरियड की बात करें तो यहाँ पे एंग्लो सैक्सन पीरियड की अगर जो बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण रही, तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे है वीओल्फ, जो एक एंग्लो सैक्सन एपिक है। तो इसके अतिरिक्त बात करें 1066 से बात अगर हम आगे करें तो 1340 तक की, तो 1340 तक का पीरियड ये एंग्लो नॉर्मन पीरियड कहलाता है, एंग्लो नॉर्मन पीरियड। इसके बाद कि अगर अगले वाले एज की बात करें तो चौसरियन एज, एज ऑफ चौसर कही जाती है 1340 से 1400 तक। चौसर आपको पता है, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और भी मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसा, बहुत सारे इनको टाइटल्स दिए गए हैं। टाइटल्स जिनको क्या बोलते हैं अगर लिटरेचर की भाषा में बोलें तो, वो भी आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो टाइटल के लिए क्या यूज किया जाता है, जैसे आपने सुना होगा एपिटेप, एपिथेट। एपिथेट जो है एडजेक्टिव, यानी टाइटल के लिए ही यूज किया जाता है। इसके बाद बात करें 1400 से आगे की बात करें तो 1400 टू 1485 तक वेरन एज चलती है। वेरन एज में क्या थे, जो चौसर था, जोफ्री चौसर थे, इनके इमिटेटर्स थे, इसमें इंग्लिश इमिटेटर्स थे और दूसरे क्या थे, स्कॉटिश बोल सकते हैं इमिटेटर्स। तो उन्होंने इमिटेट किया, जो चौसर की क्रिएशन थी उनको इमिटेट किया था, उसकी नकल की थी, जिसमें डनबार हो गए, और इधर बात करें इंग्लिश वाले में लिडगेट हो गए, ऑकलिव हो गए, और स्कॉटिश जो चौसेरियन थे उसमें डनबार और दूसरे जे हेनरीसन करके हैं। तो इससे आगे जब बात करें 1450 से आगे की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, जैसे कि रिनेसा पीरियड आपको पता है, तो 1485 की भी कुछ क्रिएशंस हैं, सॉरी कुछ विशेषताएं हैं 1485 से रिलेटेड। 1455 से एक जो वॉर ऑफ रोजेज स्टार्ट होता है वो 1487 में जाके ख़त्म होता है। तो उसमें दो हाउसेज होते हैं, दो हाउस कौन कौन से हैं, एक यॉर्क और एक लैंकस्टर। और यॉर्क और लैंकस्टर क्या होता है, इनको हाउसेज में डिवाइड किया जाता है। तो जो लैंकस्टर है इसका साइन क्या होता है, सिंबल क्या होता है, रेड, रेड रोज लैंकस्टर, क्योंकि आर आ रहा है तो आप इससे याद कर सकते हैं लैंकस्टर। और दूसरा यॉर्क है तो वाइट, रेड और वाइट जो इनके सिंबल्स हैं, तो टू हाउसेज हैं। इसके अलावा 1485 की और बात करें तो थॉमस मैलरी का मॉर्टेडी आर्थर, जो किंग आर्थर से रिलेटेड है। और थर्ड चीज़ अगर यहीं पे थर्ड पॉइंट की बात करें
दो पॉइंट तो हमारे ऑलरेडी हो गए कि हमने एक तो एंड ऑफ वॉर ऑफ रोजेस, दूसरा थॉमस मैलरी का मोर्टिडी आर्थर, तीसरी चीज़ जो है फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें तो तीसरी मेन जो घटना है 1485। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे 1485 की। 1485 में पहला तो हमने बताया एंड ऑफ वॉर ऑफ रोजेस, इसके अतिरिक्त दूसरा पॉइंट था यहाँ पे हमने जो बात कर रहे थे तो ट्यूडर डेनेस्टी यहाँ से स्टार्ट होती है, बिगनिंग ऑफ ट्यूडर डेनेस्टी। और थर्ड पॉइंट जो हमने बताया था ट्यूडर डेनेस्टी के बारे में बात करें तो ट्यूडर डेनेस्टी यहाँ 1485 से स्टार्ट होती है 1603 तक। और जो फर्स्ट ट्यूडर पोइट हैं वो जॉन स्केल्टन को कहा जाता है, जो कि वेट पोइट्री या इन्फीरियर पोइट्री के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने एक वर्स भी अलग से वो किया जिसको स्केल्टनिक वर्स या हेल्टर स्केल्टर वर्स भी बोला जाता है। फिर तो बात करें और जॉन स्केल्टन के बारे में तो इनको फर्स्ट सेल्फ डिक्लेयर्ड पोइट लॉरेट भी कहा जाता है। अगले पॉइंट के बारे में बात करें फ्रेंड्स, इसी पे जो थर्ड पॉइंट हमने किंग आर्थर के बारे में बताया था, थॉमस मैलरी का मोर्टिडी आर्थर। आर्थर जो है एक जो माइथोलॉजिकल ओल्डेस्ट माइथोलॉजिकल किंग ऑफ बोल सकते हैं ब्रिटेन, इनको कहा जाता है। इनके 12 नाइट्स जो थे उनके बारे में इन्होंने बताया है इसमें। और फ्रेंड्स इसके अतिरिक्त बात करें तो 1557 में रिचर्ड टोटल का जो है टोटल्स मिसेलिनी बोल सकते हैं, जिसमें दो पोइट ने कोलेब्रेशन पे लिखा था, बियाट और सारे सारे जो हैं हेनरी हॉवर्ड के नाम से भी जाने जाते हैं, जो इंग्लिश सोनेट के लिए फेमस हैं और पेटार्कन सोनेट के लिए वियाट WYAT। तो वियाट इसके अतिरिक्त बात करें फ्रेंड्स यहाँ से आगे अगर हम चलते हैं तो फ्रेंड्स एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, 1453 में फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल कुस्तंतुनिया करके आपने सुना होगा, ये इसकी भी घटना हुई थी। तो 1558 से बात करें तो असेंडिंग ऑफ क्वीन एलिजाबेथ ऑन द थ्रोन, राजगद्दी पे बैठती हूँ। तो इसके बाद 1603 में उनकी डेथ हो जाती है। तो 1603 तक जो 1558 से 1603 तक का जो टाइम पीरियड है इसको एलिजाबेथन एज के नाम से जाना जाता है। और अगले उसकी बात करें तो 1603 से किंग जेम्स, जो कि किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है इनको, लेकिन ये किंग जेम्स जो थे ये किंग सिक्स थे स्कॉटलैंड के। तो यहाँ से इनका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1603 से 1625 तक, जैकोबियन पीरियड के नाम से जिसे जाना जाता है। इसमें जो फेमस पोइट या राइटर्स की बात करें तो इसमें हम बात कर सकते हैं यहाँ पे बेन जॉनसन भी फेमस थे इस टाइम पीरियड में, जॉन डन हो गए जो मेटाफिजिकल पोइट्री के लिए जाने जाते हैं। मेटाफिजिकल पोइट्री में कंसीट का यूज़ करते हैं, कंसीट का मतलब होता है फार फेस्ड मेटाफर। तो जैसे मेटाफर तो हमें पता है, तो एक ऐसा वो ये वहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच बोल सकते हैं, लिटरेरी डिवाइस यूज़ करते हैं जिसका कहीं से कहीं तक कोई संबंध नहीं होता है, फार फेस्ड मेटाफर दूर दूर तक। जैसे लेग ऑफ द टेबल्स करके इनका एक वो बोल रखा है, फेमस एग्जांपल है। और इसके अतिरिक्त कुछ और भी आप देख सकते हैं इसमें, कंसीट का यूज़ करते थे। तो अगले उसमें बात करें तो 1625 से स्टार्ट होता है 1649 तक कैरोलियन टाइम पीरियड, कैरोलियन एज स्टार्ट होती है, जो कि चार्ल्स किंग चार्ल्स यहाँ पे आते हैं। तो कैरोलियन टाइम पीरियड में जो आपको पता है कैवलियर पोइट्स फेमस थे, और जैकोबियन एज में जो मेटाफिजिकल थे तो यहाँ पे कैवलियर पोइट्स है, जिसमें रिचर्ड रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड लवलेस, जॉन केरू ये वगैरह कुछ नाम फेमस हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स इनकी जैसे रॉबर्ट हैरिक की एक वो मे टू दी वर्जन्स मेक मच ऑफ टाइम करके कुछ ऐसे है, कार्पेडियम की जो फिलोसफी उस पर विश्वास करते हैं। कार्पेडियम का मतलब होता है सीज द मोमेंट, यानी कि इंजॉय द मोमेंट कहने का मतलब है। तो बढ़ते हैं आगे 1649 से। अब 1649 से पहले एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा, 1642 में जैसे कि इम्पोर्टेंट है आपको पता है जो थिएटर्स थे उनको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अब 1649 से 1660 तक का टाइम पीरियड कॉमनवेल्थ पीरियड कहलाता है, या इसको बोल सकते हैं एंटर रेगनम करके। तो और 1625 से अगर 1660 तक की बात करें तो प्यूरिटन एज भी कही जाती है, मिल्टन का भी जन्म हमें पता है 1608 में
हुआ था। तो फ्रेंड्स 1644 में हैमिल्टन का एरियो पेजिटिका, 1637 में लेसिडेस करके आपने सुने होंगी ये क्रिएशन इनकी। तो जो कॉमनवेल्थ पीरियड है उसमें जैसे 1616 ये चार्ल्स सेकंड फिर से इनको लाया जाता है, तो फिर क्या कर देते हैं थिएटर्स यहाँ पे रीओपन हो जाते हैं। अब 1660 से जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है वो रेस्टोरेशन का होता है 1700 तक। अब 1700 तक रेस्टोरेशन टाइम पीरियड होता है, तो इसमें कॉमेडी ऑफ मैनर्स आपने सुना होगा यहाँ पे फेमस जो है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स का मतलब इसमें क्या होती है, थोड़ी सी हाई लेवल की कॉमेडी बोल सकते हैं हम, एरिस्टोक्रेटिक कॉमेडी की बारे में बात करते हैं। इसके बाद जो 1701 से 1745 तो आपने सुना होगा ऑगस्टन एज, फिर इसके बाद एज ऑफ सेंसिबिलिटी 1745 से आगे चलती है 1785 तक बोल सकते हैं। और 1785 के बाद का जो टाइम पीरियड है फ्रेंड्स, कहीं कहीं पे देखने को मिलता है 1785 से 1837 तक रोमांटिक एज, कहीं पे हमें ये टाइम पीरियड भी देखने को मिलता है 1797 से जो है, या 1798 से 1837 का जो टाइम पीरियड है वो रोमांटिक एज के नाम से। अब जब अर्ली रोमांटिक्स की बात करें, अर्ली रोमांटिक एज की, तो वो कहीं पे देखने को ऐसे मिलती है 1760 से जो है 1785 के बीच में, या 1798 तक। तो जो रोमांटिक एज थी उससे पहले के कहने का मतलब है अर्ली रोमांटिक हो जाएगा। तो रोमांटिक एज की बात करें तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज, ये आपको पता है, लिरिकल बैलेट जो इनका जो कोलेबरेशन में था, जो एंथोलॉजी बोल सकते हैं एक प्रकार का, तो लिरिकल बैलेट्स जो कि जिसमें 23 पोम्स थी, जिसमें 19 वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई और 4 जो है एसटी कॉलरेज, सैमुअल टेलर कॉलरेज के द्वारा लिखी गई थी। तो इसके अलावा जो वर्ड्सवर्थ हैं उनकी जो पोम थी टिंटन एवे, वो लिरिकल बैलेट्स की लास्ट पोम थी। और फर्स्ट पोम की बात करें तो यहाँ पे जो सैमुअल टेलर कॉलरेज की है राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर करके, तो वो पहली पोम यहाँ पे है। अगली उसमें बात करें फ्रेंड्स, तो 1837 से स्टार्ट हो जाता है, 1837 की बात करें तो यहाँ पे असेंडिंग ऑफ क्वीन विक्टोरिया ऑन द थ्रोन। अब जो क्वीन विक्टोरिया हैं वो सिंहासन पे बैठती हैं, तो 1901 तक उनका टाइम पीरियड रहता है जिसको विक्टोरियन एज के नाम से जाना जाता है। विक्टोरियन एज में आपको पता है मैथ्यू अर्नॉल्ड, इसके अलावा और भी बहुत फेमस जो हैं बोल सकते हैं नोबलिस्ट हैं यहाँ पे। तो जो एक क्वेश्चन और बनता है, जो नोवेल्स है उनका डेवलपमेंट कौन सी एज में हुआ, तो इंग्लैंड में, तो 18th सेंचुरी बोलेंगे, क्योंकि 1740 से स्टार्ट हो गया था। रिचर्डसन का पामेला वर्चुअल रिवर्डेड करके आपको पता होगा फ्रेंड्स। तो 1901 तक का हमने बताया, तो 1901 से एडवर्डियन एज स्टार्ट होती है, तो इसमें EGMPS करके हम याद कर सकते हैं। एडवर्डियन एज 1910 तक या 12 तक इसका टाइम पीरियड मान के चलिए, 1910 तक है वैसे, 1912 से 1922 तक जॉर्जियन एज, जॉर्जियन जो कि जिसमें एंथोलॉजी भी है एडवर्ड मास की, जिसमें फाइव के हैं फोम्स हैं। तो इसके अलावा 1922 से जो 1912 से 1922 तक जॉर्जियन पीरियड, 1922 से जो है 1945 तक मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न पीरियड जिसके लिए अवान गर्दे करके भी यूज़ किया जाता है। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे बोलें तो 30s के जो पोइट्स हैं या जो राइटर्स बोल सकते हैं ऑथर्स हैं, तो उसमें भी आपको मैक स्पॉन्डे करके अपने नाम सुना होगा, मैकनीस, स्पेंडर, ऑर्डन और सिसिल लेविस करके। तो 1940s के जो हैं इसमें डेलन थॉमस वगैरह आ जाता है, वुम टूम पोइट करके ऐसे इनको इस नाम से भी जाना जाता है। तो 1945 के बाद जो है वो कंटेम्प्रेरी चल जाता है, फिर पोस्ट मॉडर्न चलता है। तो पोस्ट मॉडर्न के बाद फिर कंटेम्प्रेरी स्टार्ट हो जाता है, कंटेम्प्रेरी में समकालीन। तो फ्रेंड्स ये थे, ये थोड़ा सा हमने यहाँ पे ब्रीफ में डिस्कस किया लिटरेरी एजेस के बारे में। कैसे लगे आपको वीडियो फ्रेंड्स, हो सकता है कुछ मिस्टेक्स भी हों यहाँ पे, मिस्टेक्स वैसे देखने को नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि जहाँ तक है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैंने पढ़ा है आज तक जितने भी सोर्सेस थे, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की। थोड़ा सा आपको इससे कुछ चीज़ें याद आई होंगी, थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट बना होगा,
तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।